इस चैप्टर में देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि भाई डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में लाइफ किस तरीके की होती है। देखिए आखिरी चैप्टर है ये क्लास 7 ज्योग्राफी की इस किताब का। यहाँ पे हम लोग डेजर्ट्स के बारे में काफी सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये डेजर्ट्स होता क्या है। तो डेजर्ट इज एन एक्चुअली एरिड रीजन, डेजर्ट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली, यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड की स्पेलिंग गलत लिखी, एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। यानी सबसे पहले चीज आपको ये समझ में आई कि जब डेजर्ट्स का आप नाम सुनते तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है, रेगिस्तान। तो आपको अपने राजस्थान के इलाके में जो डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोला था, वो आपके दिमाग में आएगा। अब जब वो आपके दिमाग में आएगा तो आपको लगेगा भाई डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, लेकिन जहां पे एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है फ्रेंड्स वो भी डेजर्ट्स हैं, और जहां पे एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है वो भी आपके डेजर्ट्स हैं। तो दोनों होते हैं डेजर्ट्स, ठीक है। अब चैप्टर 5 में हमने देखा था कि भाई वाटर के दम पे लाइफ है प्लांट्स की, एनिमल्स की, पीपल की। अगर आपके पास पीने का पानी ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए लोग उस जगह पे रहेंगे जहां उनके पास पीने का पानी हो, जहां उनके पास उनके कैटल्स को, उनकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए घास हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हो जहां पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ पानी होता कि वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सके। इसीलिए पैडी वगैरह की प्लांटेशंस आपको गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में मिलती थी। ये सब चीजें मैंने आपसे पहले बात की है। लेकिन जैसे तैसे करके हजारों सालों से लोगों ने अपनी आदत डाल ली है एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स में रहने की, यानी एज हॉट एज फायर डेजर्ट्स या एज कूल एज आइस डेजर्ट्स में भी लोग रहते हैं। बहुत सारे डेजर्ट्स एरिया पूरी दुनिया में पाई जाते हैं। इन डेजर्ट्स एरिया की खास बात क्या होती है, यहाँ पे पानी बहुत कम बचता है, वेजिटेशन ना के बराबर है यहाँ पे, और टेम्परेचर एक्सट्रीम है। तो भाई अगर बहुत गर्मी है तो उसे आप बोलोगे हॉट डेजर्ट, सर्दी है तो उसे आप बोलोगे कोल्ड डेजर्ट। अब क्या इंडिया में कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं? तो भैया आप चले जाइए कारगिल साइड, द्रास सेक्टर, वो पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। वहां पे एकदम ऊंचाई पे कारगिल साइड पे चले जाइए, पूरा पूरा कोल्ड डेजर्ट ही है वो। वहीं पे रेगिस्तान पे आ जाइए, वो हॉट डेजर्ट है। इनफैक्ट अगर राजस्थान की अगर आप बात करो ना फ्रेंड्स, तो राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, सर्दियों के समय पे यानी नवंबर दिसंबर के समय पे, रात के समय इन रेगिस्तान में बहुत ठंडी हो जाती है राजस्थान में। कभी अगर आप वहां पे हो तो आपको ये पता चलेगा। नॉर्मली उन डेजर्ट्स को, जैसे कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर सहारा डेजर्ट देखेंगे अफ्रीका को, तो इनको देख के आपके दिमाग में आएगा भैया ये तो हमेशा गर्म रहेगा, लेकिन नहीं, सर्दियों के मौसम में आप अगर वहां पर रात में जाएंगे गजब की ठंडी होती है। ओके, तो ये हमने कुछ चीजें देखी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं द हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा। देखिए आप मैप देखिए वर्ल्ड का और उसमें अफ्रीका का नक्शा देखिए, तो उसमें आपको सहारा डेजर्ट दिखेगा। दिखाता हूं आपको सहारा डेजर्ट, इसके अगले ही पेज पे आपको नीचे पे दिखेगा ये सहारा डेजर्ट। देखिए यहां पर ये दिख रहा भाई आपको अफ्रीका का मैप, इस अफ्रीका के बिल्कुल बीच से निकल रहा है इक्वेटर, और ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, इस कलर में यहां पे आपको सहारा डेजर्ट फैला हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े एरिया में ये सहारा डेजर्ट आपका फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए केवल इस रेगिस्तान का एरिया है वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 32 लाख, यानी 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आप समझ सकते हैं ये डेजर्ट कितना बड़ा है। 11 कंट्रियों को टच करता है ये सारा डेजर्ट, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिसिया, वेस्टर्न सहारा। अब जब हमने कंट्रीज का नाम लिया, देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली कंट्री बिल्कुल ही आपको वेस्टर्न कोस्ट में नजर आ रही है, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में नजर आ रही है, रही वेस्टर्न सहारा पहली कंट्री, दूसरी मोरिटानिया, ऊपर की तरफ आपको मोरक्को नजर आ रही, तीसरी चौथी अल्जीरिया, पांचवी माली, छठा नाइजर, सातवां लिबिया, आठवां चाड, नवां सूडान, दसवां इजिप्ट, और ग्यारहवां यहां छोटी सी ये जो कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, ये है टूनिसिया। तो इन कंट्रीज में फैला हुआ है आपका ये सहारा डेजर्ट। आपको पता है फ्रेंड्स सारा डेजर्ट के ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच से इक्वेटर निकलता है। फिर मैंने आपको सवाना ग्रासलैंड्स का भी रीजन दिखाया था, तो ये सवाना ग्रासलैंड्स का रीजन था, यहाँ पे आपका सवाना ग्रासलैंड्स का रीजन था, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज थे। और इन ट्रॉपिकल के ऊपर चले जाएंगे आप तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट सहारा डेजर्ट। ओके, कुछ और फैक्टर्स देखते हैं इनके बारे में। जब भी आप डेजर्ट की बात करते हो, जैसा कि मैंने बताया, रेगिस्तान आपके दिमाग में आ जाएगी, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ रेगिस्तान, कुछ इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में आएगी। लेकिन जब आप सहारा डेजर्ट की बात करोगे तो सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है, उसके बीच में आपको बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे ग्रेवल प्लेन्स मिलेंगे, एलिवेटेड प्लेट्यूज मिलेंगे आपको, इस तरीके की रॉकी बॉडीज बहुत बड़ी बड़ी, जिनकी ऊपर की तरफ सपाट सरफेस है। प्लेट्यूज आपको बताया ना क्या होते हैं,
तो सपाट सरफेस वाले प्लेट्यूज बहुत बड़े बड़े इलाके में रॉकी सरफेस पे आपको मिलेंगे, बहुत सारे ओएसिस मिलेंगे मतलब लहलहाते हुए एकदम ग्रीन। तो अलग अलग तरीके की रॉकी सरफेसेस और आपको लैंड फॉर्म्स मिलेंगे सहारा डिजर्ट में, क्योंकि सहारा डिजर्ट है आपका बहुत बड़ा। जितना ज्यादा बड़ा डिजर्ट होगा उतने ही ज्यादा वेराइट तरीके के लैंड फॉर्म आपको डिजर्ट्स में मिल जाएंगे। और क्या आपको ये पता है दोस्तों कि ये सहारा डिजर्ट जहां पे आज की डेट में सैंडी सैंड है, बालू ही बालू है, गर्मी ही गर्मी, वो एक समय पे लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था। यहाँ पे नदियां हुआ करती थी, पेड़ हुआ करते थे, नदियों में क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। ये सब हमें कैसे पता चला है? सहारा डिजर्ट में बहुत सी केव्स मिली, उन केव की पेंटिंग से पता चला है कि एक समय पे ये भैया लहलाती हुई जगह हुआ करती थी। एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट्स, इस तरीके के एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। क्या आप ये वजह ढूंढ सकते हैं कि क्लाइमेट एकदम से कैसे बदल गया और इतना हॉट और ड्राई रीजन ये सहारा डेजर्ट कैसे बन गया? ये मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको ढूंढने की एक बार कोशिश करिए। कुछ चीजों में आप अपना दिमाग लगाओ दोस्तों, मजा आएगा। अब अगर देखा जाए कि आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कहां मेजर किया गया, तो आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर सहारा डेजर्ट में मेजर किया गया है। 1922 में त्रिपोली, लिबिया नाम की कंट्री में त्रिपोली है, त्रिपोली के साउथ में जगह है अल अजीजिया। अल अजीजिया में 1922 में 57.7 डिग्री टेम्परेचर मेजर किया गया था। आप समझ सकते हैं ना, 57.7 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मुंबई में आइए तो मुंबई में 42-43 डिग्री जब टेम्परेचर होता है भाई, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं पे वहां पे 57.7 डिग्री टेम्परेचर है। आप समझ लीजिए कितनी जबरदस्त गर्मी होगी। जब हमने क्लाइमेट की बात की सारा डिजर्ट की, तो भैया वो है स्कॉर्चिंग हॉट और पार्श ड्राई, यानी कि हवा में नमी नहीं और पानी, वो जो वेदर है वो बहुत गर्म है। अच्छा, हवा में नमी नहीं है, इससे आप ये कह सकते हो कि वहां की जो गर्मी होगी ना वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि वो गर्मी जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वो इरिटेटिंग होती है। रेनी सीजन बहुत शॉर्ट है, स्काई क्लाउडलेस है, क्लियर है, बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत कम, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता है वो पहले ही इवेपोरेट हो जाता है गर्मी की वजह से। डेज में गजब की गर्मी होती है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाते हैं, दिन में इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि जब सात रात होती है ना तो रात में वो सैंड गर्म ही रहती है, खासकर गर्मी के मौसम में। ओके, अच्छा आप बोलोगे कि भैया ये सहारा रेगिस्तान में गर्मी का मौसम क्या होता है? तो आपको पता है दोस्तों, सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और अगर जब आपका सन इक्वेटर के साउथ में चला जाएगा, इक्वेटर साउथ में कब जाता है सन, ये मैं आपको पहले की काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, तो उस समय पे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है सर्दी, तो उस समय पे सहारा डेजर्ट में भी रात में थोड़ी आपको ठंडी लगेगी। लेकिन भाई गर्मी के समय में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भैया सन है इक्वेटर के ऊपर की तरफ है, उस समय पे तो दिन में तो गर्मी रहेगी रहेगी और वो गर्मी रात तक लास्ट करेगी। ओके, और वही मैंने बताया सर्दियों के टाइम पे इसी सहारा डेजर्ट में फ्रीजिंग कोल्ड हो सकता है, टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच सकता है जब ये सन इक्वेटर के नीचे होगा। ओके, फ्लोरा और फौना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो वेजिटेशन होती है सहारा डेजर्ट की, उसमें कैक्टस मिलेगा आपको, डेट पाम्स की खेती होती है ओएसिस में, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, एकाशिया मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पे ओएसिस मिल जाते हैं, बिल्कुल ग्रीन तरीके के आइलैंड होते हैं जहां पे डेट पाम्स उगाए जाते हैं। इसमें आपको क्या, आपको रेगिस्तान में कैमल्स मिल जाएंगे, हाइनास, जैकास, टॉक्सिस, स्कॉर्पियंस, बहुत अलग अलग वैरायटी के सांप और लेजर्ड्स भी आपको मिलेंगे। ये जो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है ना 9.3, एक्चुअली में ओएसिस दिख रहा है आपको, रेगिस्तान के बीच में ये पेड़ नजर आ रहे हैं, ये रेगिस्तान के बीच में आपको पेड़ नजर आ रहा है। होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी विंड इतनी ज्यादा बहती है यहाँ पे कि एक जगह से वो सैंड को दूर लेती जाएगी और सैंड वहां पे इतना बड़ा डिप्रेशन बन जाएगा कि अंदर जो कि ग्राउंड के नीचे पानी है ना वो सतह पे आ सकता है, तो वहां बन जाते हैं ओएसिस, और ओएसिस के आसपास इस तरीके के हरे हरे पेड़ आपको उगते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी मिल गया इन पेड़ पौधों को, तो यहाँ पे आपको हरे हरे पौधे, छोटे छोटे पेड़ आपको उगते हुए नजर आ जाएंगे, तो ऐसे ओएसिस बन जाते हैं। जो लोग भटक जाते हैं रेगिस्तानों में, उनको अगर कोई ओएसिस मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि उनको जान सी मिल गई, क्योंकि ओएसिस के बाद उनको पानी भी मिल जाता है और कुछ लोग भी रहते हुए मिल जाते हैं, तो खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। साइंटिस्ट को इस सहारा डेजर्ट में भैया कुछ फिश के स्केलेटन्स भी मिले हैं। आप सोचिए इस चीज को उससे कनेक्ट करिए, मैंने पहले जो आपको बताया था कि एक टाइम पे यहाँ पे पानी हुआ करता था, नदियां हुआ करती थी, क्रोकोडाइल्स रहा करते थे, तो जो फिश के स्केलेटन्स मिले हैं साइंटिस्ट को, ये कैसे मिले? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कभी परमानेंट क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, पहले इतना गर्म नहीं होगा, पहले कुछ इस तरीके का क्लाइमेट रहा होगा कि पानी होगा, फिशेज होंगी, मछलियां होंगी और जीव जंतु होंगे। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भैया
इतना भयानक क्लाइमेट हो गया, ये आप पता करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, ओएसिस एक छोटी सी फैक्ट है, फिर उस पर आते हैं। डिप्रेशन क्या होता है कि जब हवा कुछ इस तरीके से चले कि एक जगह के सैंड डिपॉजिट को वो दूर उड़ा के लेके जाए और वहां पे दूसरी सैंड डिपॉजिट ना हो, तो वहां पे एक डिप्रेशन सा बनता जाएगा। ओके, और वो डिप्रेशन जब अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा तो होगा कि उस चक्कर में गड्ढा बहुत बड़ा बन जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाएगा, तो वहां पे पानी का एक सोर्स निकल आएगा, ओएसएस, जो कि उस इलाके को बना देगा फर्टाइल। और इस पानी के चारों तरफ लोग सेटल कर सकते हैं, वहां पे खेती हो सकती है, डेट पॉम की दूसरे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। कभी कभी इस सहारा डेजर्ट में एबनॉर्मली लार्ज ओएसिस मिल जाते हैं, जैसे कि एक ओएसिस है मोरक्को में जिसका नाम है तफीला लेथ ओएसिस, TAFILALETH ओएसिस। ये मोरक्को में फैला हुआ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, इसकी फोटो आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ये तफीला लेथ ओएसिस से आपको देखिए कितने यहाँ पे पानी का सोर्सेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये रेगिस्तान में है, ग्रेट सहारन डेजर्ट का पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेट सहारन डेजर्ट में हर जगह सैंड नहीं, कुछ इस तरीके के ओएसिस भी मिल जाते हैं। हालांकि ये तो सबसे बड़ा ओएसिस है, और भी बहुत से ओएसिस मिलते हैं आपको इस ग्रेट सहारन डेजर्ट में। अब लोगों की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। भाई देखिए, जो सहारा डेजर्ट है भले वहां का क्लाइमेट हार्श है, लेकिन तब भी वहां पे बहुत अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते हैं और वो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे वहां पे कुछ ट्राइब्स मिलती हैं जिनका नाम है बेदुइंस और तुएरक्स। तो ये बेदुइंस और तुएरक्स आपकी कहाँ मिलेंगी? सहारा डेजर्ट मिलेंगी। ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये लगातार मूव करती रहती हैं अपने लाइव स्टॉक्स के साथ। इनके पास गोट्स होती हैं, शीप्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, इनका मिल्क खाते हैं ये। इनके हाइट से, इनके चमड़े से ये लोग, ऑब्वियस बात है जब इनको मार देंगे तो इनकी स्किन निकाल के उससे ये लेदर बेल्ट्स बनाएंगे, चप्पलें बनाएंगे, लेदर की और चीजें बनाएंगे। फिर इन जानवरों के हेयर से ये लोग मैट्स बनाएंगे, कारपेट्स बनाएंगे, क्लॉथ्स बनाएंगे। कभी कभी इन जानवरों को लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया तो उसको मार के खा लेंगे ताकि वो बर्बाद ना हो जाए। कभी इनके पास खाना कम पड़ गया या बिल्कुल ही हालत खराब हो गई तो उस जानवर को मार के खा लेंगे। फिर इनकी स्किन से बने हुए हैवी रोप्स को ये पहनते हैं ताकि डस्ट स्टॉर्म से अपने आप को बचा सकें, गर्म हवाओं से अपने आप को बचा सकें। जो सहारा डेजर्ट में और नाइल वैली है जो इजिप्ट की, इजिप्ट से नाइल रिवर बहती है और बहुत सारी और कंट्रीज से नाइल रिवर बहती है आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वहां पे बहुत सारे ओएसिस बन गए। उस ओएसिस के चारों तरफ आपको सेटल्ड पॉपुलेशन मिलेगी। जैसा होता है ना कि भाई इंडिया में आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आपको सेटल्ड पॉपुलेशन मिल रही है, हालांकि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की जो बात है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे सहारा डेजर्ट और नाइल वैली जो है जिस जगह जिन इलाकों से गुजरती है वहां पे ज्यादातर जगहों पे रेगिस्तान है, तो वहां पे सेटल्ड पॉपुलेशन मिल जाती है क्योंकि एक वाटर सोर्स मिल जाता है। तो भैया जब वाटर सोर्स है तो थोड़े बहुत क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं, जैसे डेट पाम्स उगाते हैं, राइस, व्हीट और बार्ले और बीन्स जैसे क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं जहां पे एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट लोकेशन मिल जाए, जगह मिल जाए। इजिप्टियन कॉटन की भी खेती की जाती है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। और अब तो भैया सहारन डेजर्ट में ऑयल की भी डिस्कवरी हुई है। अब क्रूड ऑयल तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में डिमांड है। अल्जीरिया में ऑयल मिला है, लिबिया में ऑयल मिला है, इजिप्ट में ऑयल मिला है। तो ऑब्वियस ही बात है जब ऑयल को वहां से निकाला जा रहा है, ऑयल की माइनिंग हो रही है, तो काफी सारा वहां पे पैसा हो गया। ऑयल रिजर्व्स मिले हैं फ्रेंड्स, नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं अफ्रीका में बहुत सी जगहों पे, सहारा डेजर्ट में मिले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इन मिनरल्स के चलते जो वहां की जो लोगों की लाइफ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बदलता है। और सिर्फ ऑयल रिजर्व्स और गैस के रिजर्व्स नहीं भाई, आयरन के रिजर्व्स, फॉस्फोरस के रिजर्व्स, यूरेनियम के रिजर्व्स, मैंगनीज के रिजर्व्स भी मिले हैं आपके अफ्रीका में। तो अब इन सब चीजों के चलते जो सहारा डेजर्ट का जो कल्चरल लैंडस्केप है ना, वो धीरे धीरे बदल रहा है। पहले वहां पे भाई गरीब टाइप के लोग रहा करते थे, अब वहां ऐसा नहीं है। अब तो भैया बड़ी बड़ी चमकती हुई ग्लास की बिल्डिंग्स, ठीक है, फिर क्रिस क्रॉस सुपर हाईवेज, मॉस्क, क्योंकि वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो इस तरीके की चीजें वहां पे अब हमको मिलने लगी। पहले कैमल्स सॉल्ट को लेके जाया करते थे सॉल्ट ट्रेड में एक जगह से दूसरी जगह, अब उन कैमल्स की जगह ट्रक्स आ गए हैं। सहारा डेजर्ट के बीच से बहुत सारे हाईवेज निकलते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो कि सहारा डेजर्ट में घूमने आते हैं तो तुआरेक्स उनको दिखाते हैं, तुआरेक्स उनके लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। तो इन तुआरेक्स को भी इस टूरिज्म इंडस्ट्री से इनकी डेली अर्निंग, डेली ब्रेड मिलती है। फिर वहां के जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हुए घूमा करते थे, भाई अब वो गैस की जो खदान, जो गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा, जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा उन ऑयल फील्ड्स में, उन गैस फील्ड्स में उनको नौकरियां मिल रही है, तो उनकी जो वे ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव हो रही है। तो ये हमने बात की थोड़ा बहुत अफ्रीका के लैंडस्केप के बारे में।
अब हम आ जाते हैं अपने प्यारे भारत में वापस, और यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख शब्द की अगर बात की जाए तो लद्दाख शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, ला होता है इसमें माउंटेन पास और डाक होता है कंट्री। और लद्दाख में ही द्रास नाम की एक जगह है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट आपको यहां पे मिलेगा, तो पूरा का पूरा लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट ही है। ओके, अब सबसे पहले जब लद्दाख की बात आई तो फ्रेंड्स लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, इसके एक बार एरिया को देख लेते हैं। तो देखिए ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप, इसमें आपको अक्साई चिन दिख रहा है, ये अक्साई चिन का इलाके को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जब 1962 का वॉर हुआ था तो भाई चाइना इस इलाके में घुस आया, उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको नजर आ रहा है, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान के पास है, जिसको ये लोग गिलगित बल्तिस्तान भी बोलते हैं। और एक छोटा सा इलाका ऊपर की तरफ है जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है, ये एरिया पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे रखा है। और जो येलो रंग में आपको इलाका दिख रहा है ये एक्चुअली में आपका इलाका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों। ओके, अब फिलहाल के लिए अभी देख ले कि जब हमारा ये अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, पता ही कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कि भैया कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था उससे स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को उससे अलग करके बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी। तो लाल रंग का जो दिख रहा है ना वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और जो लद्दाख दिख रहा है वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये हमारी ऑफिशियल पोजिशन है। यहाँ पे जो लाल और डार्क ब्लू आपको दिख रहा है ये पूरा इलाका हमारे पास है, हालांकि इसमें से बहुत सारा इलाका पाकिस्तान ने और चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ। तो आई होप कि आपको अब बाउंड्री समझ में आ गई है जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख कितने इलाके में है, जम्मू एंड कश्मीर कितने इलाके में। अब आ जाते हैं इनके फिजिकल फीचर्स में। तो देखिए लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट हिमालयाज में लाई करता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में है और जांस्कर रेंज इसके साउथ में है। देखिए माउंटेन रेंजेस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, मेरे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहां देखिए ये लद्दाख रेंज भाई आपको नजर आ रही है। ओके, दिख रहा है सियाचिन ग्लेशियर, यहां पे दिख रहा है कारगिल। कारगिल वॉर लड़ चुकी है इंडिया और पाकिस्तान। क्या एम था कारगिल वॉर का, कि भाई सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करना चाहते थे, ये कश्मीर का लद्दाख से जो कनेक्शन था उसको तोड़ना चाहते थे, इश्यू को इंटरनेशनलाइज करके ज्यादा इंडियन कश्मीर के थोड़े बहुत और हिस्से पे कब्जा करने का प्लान था ये कश्मीर, ये पाकिस्तानी फोर्सेस का। और जम्मू एंड कश्मीर में उस समय रिबेलियन काफी तेज था, इंसर्जेंसी पीक पे थी, तो उस इंसर्जेंसी को भी एक बूस्ट देना चाहते थे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। तो उस समय पे सब कुछ मिला के ये हुआ था, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत कह सकते कि ब्रेवरी से लड़ाई करी और इसको वापस जीता। यहाँ पे आप दिख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, नीचे की तरफ आपको कुछ पासेस भी दिख रहे हैं, बारालाचला पास, रोहतांग पास। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा है। इस हमारे जो ये जो आपका पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें अगर लद्दाख की बात करें तो बहुत सी नदियां बहती है लद्दाख के थ्रू। इंदस एक नदी है जो लद्दाख के थ्रू बहती है। बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं लद्दाख में, जिसमें एक ग्लेशियर है गांगरी ग्लेशियर। जो लद्दाख का एल्टीट्यूड है वो लगभग 3000 मीटर है कारगिल में और 8000 मीटर से भी ज्यादा है कहां पे, काराकोरम में। क्योंकि काराकोरम रेंज आपकी लद्दाख रेंज के भी ऊपर है तो ऑब्वियस बात है वो लद्दाख रेंज से ऊंची होगी। इस लद्दाख में भैया एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, एयर बहुत ज्यादा पतली है। तो अगर गर्मी पड़ेगी, गर्मी इन द सेंस कि अगर सन की किरणें पड़ेंगी तो सन की किरणें आप बहुत इंटेंसली फील करोगे क्योंकि एयर थिन है। आप इस फिनोमेना को आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन की किरणें दिन में हमको जला देंगी। तो चूंकि यहां पे जब सन पड़ेगा यहां पे हवा थिन है, तो भले ही वो सन की किरणें आप पे पड़ रही हैं उसकी हीट आपको महसूस होगी। ओके, जब समर्स होती है यहां पे तो समर्स में टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री मैक्सिमम 3 डिग्री। नाइट टेम्परेचर्स भैया -30 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं, विंटर्स में तो टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे ही रहते हैं हमेशा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलते हैं हमारे इस लद्दाख के रीजन में। भैया रेनफॉल बहुत कम होती है, रेन शेडो रीजन में पड़ता है हिमालयाज के, तो सारी रेन बियरिंग विंड्स को ये हिमालयाज रोक लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर की ही बारिश होती है यहाँ पे। फ्रीजिंग विंड्स है, बर्निंग हॉट सनलाइट है, यानी ये कहा जाता है
कि अगर आप लद्दाख में अपने हाथ को सन में लेके बैठे हैं और अपने पैर को शेड में लेके बैठे हो, तो आपको एक ही समय पे फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है और एक ही समय पे सन स्ट्रोक पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपके हाथ पे पड़ रहा है सन, तो आपके हाथ को जलाएगा वो सन रेज। इसलिए कहा जाता है कि पूरे कपड़े पहनने चाहिए जब आप लद्दाख में घूम रहे हो। और अगर आपका जो पैर है वो शेड में है, तो इतनी ठंडी होगी कि आपके पैर को जमा सकता है, फ्रॉस्ट बाइट पड़ सकता है आपको। तो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं आपके लद्दाख में। लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, मतलब स्नोलैंड। फ्लोरा और फौना की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत जबरदस्त एरिडिटी है, वेजिटेशन बहुत कम है। ग्रास के, श्रब्स के कुछ पैचेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जहां पे एनिमल्स जाके कुछ ग्रेजिंग कर सकें। ग्रोव्स ऑफ विल्लोज और पॉपुलर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। पॉपुलर्स कैसे दिखते हैं दोस्तों? तो पॉपुलर्स के पेड़ कुछ ऐसे दिखते हैं, विलोस आपको कुछ इस तरीके के पेड़ नजर आएंगे। तो इस तरीके के पेड़ आपको लद्दाख में मिल जाएंगे। समर के दौरान यहाँ पे भाई एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट्स आते हैं, इनकी खेती होती है भाई, खाते हैं लोग यहाँ पे। फिर बहुत से स्पेशीज मिलती हैं बर्ड्स की लद्दाख में, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, हूप, इसको आप लिख सकते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती है जो दूर के इलाकों से उड़ के आती हैं। एनिमल्स देखा जाए लद्दाख में, तो वाइट गोल्ड मिलेगी, वाइल्ड शीप मिलेगा, याक मिलेगा, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स मिलेंगे। यहाँ के एनिमल को रेयर किया जा सकता है ताकि उनसे दूध भी निकाला जा सके, उनकी खाल से लेदर के आइटम्स भी बनाए जा सके और उनको काट के खाया भी जा सके। मल्टीपर्पज बना देते हैं भाई उनको ये लोग। फिर जो याक का मिल्क होता है उससे चीज और बटर निकालते हैं। यहाँ पे जो शीप है, गोट है, उनके हेयर्स का प्रयोग करके वूल बनाते हैं। वूल बनाने की प्रक्रिया मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। फिर एक जानवर है चीरू, जिसको आप बोलते हो तिब्बतन एंटीलोप। ये इनडेंजर्ड स्पेशीज है, कुछ हद तक ये लद्दाख में भी मिलता है। इसको इसके वूल के लिए हंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं शाहतूज वूल। ये शाहतूज वूल इतना फाइन होता है दोस्तों, इस शाहतूज वूल से बनी हुई जो शॉलें होती है ना, उन शॉलों को आप एक छोटी सी जिस रिंग को आप अपने हाथों में पहनते हो ना, जिस अंगूठी को आप हाथों में पहनते हो, उस अंगूठी से आप पूरी की पूरी शॉल पास कर सकते हो। इतनी पतली, इतनी फाइन ये शॉल होती है। तो इसलिए, और एक्चुअली जब इन शॉलों को बनाया जाता है, तो जैसे कि आप शीप और गोट से जब उनके वूल को निकालते हो, तो वो शीप और गोट मरती नहीं है, लेकिन चीरू से, तिब्बतन एंटीलोप से जब आप वूल निकालोगे ना उसका, तो वो चीरू मर जाएगा। इसीलिए भाई ये जो शाहतूत शॉल की जो डिमांड थी, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी, बहुत महंगी बिकती थी, तो लोग इन चीरूस को मार मार के शॉले बनाते थे। लेकिन अब इस चीज को रोका गया है, इस स्पेशीज को इनडेंजर डिक्लेयर किया गया। फिर ये जो विलो के ट्रीज दिखाए मैंने, इन ट्रीज से बनते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स। काफी महंगे मिलते हैं ये बैट्स, ठीक है। तो जो ओरिजिनली विलो से बनते हैं बैट, वो बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि अब इसमें बहुत सारा उल्लू बनाना भी हो गया, तो किसी दूसरी लकड़ी का बना देंगे और कह देंगे विल्लो का बैट है, आप कैसे पहचानोगे? पहचान तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। फिर लोगों की बात की जाए, तो लद्दाख के इलाके में जो लोग रहते हैं, जब उनके आप चेहरा देखोगे, उनके शरीर की बनावट देखोगे, तो काफी हद तक तिब्बत के इनहेबिटेंट्स की तरह लगेंगे, सेंट्रल एशिया के इनहेबिटेंट्स की तरह लगेंगे। दो कम्युनिटीज वहां पे डोमिनेंट है, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं। बहुत सारी बुद्धिस्ट मिनोरिटीज आपको लद्दाख में मिल जाएंगी, ओके, जैसे कि हेमीज मोनास्ट्री, थिक्से मोनास्ट्री, शे मोनास्ट्री, लामा यूरी मोनास्ट्री, बहुत सारी मोनास्ट्रीज को टूरिस्ट भी विजिट करते हैं। समर सीजन में लोग भाई बहुत चीजें उगाते हैं, जैसे बारले, पोटैटोस, पीस, बीन्स, टर्निप। विंटर मंथ में तो कुछ उगता ही नहीं है, तो लोग भाई अपना एंजॉय करते हैं। इतना हार्श क्लाइमेट होता है कि फेस्टिविटीज होती रहती हैं, सेरेमनी होती रहती हैं। जो वुमेन होती है लद्दाख की, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, ना केवल वो घर में काम करती हैं, वो फील्ड्स में भी काम करती हैं, छोटी छोटी दुकानें और शॉप्स भी चलाती हैं। अब तो लद्दाख क्या है कि भाई वेल कनेक्टेड है रोड से, एयर से। पहले तो लद्दाख लोग गर्मियों में ही जाते थे, अब लद्दाख लोग सर्दियों में भी जाते हैं। हालांकि आपको प्रॉपर मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी होती है, -30 डिग्री टेम्परेचर में हर कोई नहीं रह सकता। फिर जो नेशनल हाईवे 1A है, वो लेह को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है जोजिल्ला पास के थ्रू। अब यहाँ पे बात आई कि कुछ और पासेस बता सकते हो आप हिमालयस के, तो हिमालय में भाई बहुत से पासेस हैं। अगर आप मनाली से लेह की तरफ जाओगे, तो रास्ते में रोहतांग पास आएगा। ये तो लोग जो मनाली जाते हैं वो रोहतांग पास जाते हैं, बट नॉर्मल कर वो रोहतांग पास से आगे नहीं जाएंगे। रोहतांग पास से आगे जब आप लेह की तरफ जाओगे, तो बारा लाचला पास, लुंग लाचला पास, तंगलंगला, इस तरीके के पास पड़ते हैं। कभी मोटरसाइकिल से ट्रैक मारेंगे तो आपको ये सारे पास पड़ेंगे। मोटरसाइकिल ट्रैक तो बड़े फेमस है, मनाली से जाइए, जम्मू कश्मीर से निकलिए, जम्मू कश्मीर से जाइए और मनाली से निकलिए, ओके। पासेस की बात करें हिमाचल आपका ये हिमालयाज में, तो कुछ इस तरीके के पासेस आपको नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। लिपुल एक पास है सिक्किम के पास, ठीक है। फिर नाथुला पास है, अभी रिसेंट में ही कल बवाल हुआ है इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, वो नाकुला पास पे हुआ है।
नाकुला पास बिल्कुल आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न बाउंड्री है, एकदम तिब्बत के उस पे है। ओके, फिर माना पास है आपको, और चंगला पास दिख रहा है, खारदुंगला पास दिख रहा है, जोजिल्ला पास दिख रहा है, अघिल पास दिख रहा है, मिंटका पास दिख रहा है, बनिहाल पास दिख रहा है, रोहतांग पास दिख रहा है, शिपकिला पास दिख रहा है जिसके थ्रू सतलज रिवर घुसती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे पासेस के नाम मैंने आपको बताए, अलग अलग पासेस को मैंने डिस्कस भी किया है, इनकी पे वीडियोस भी बनाई है, आप जाके मेरे ज्योग्राफी प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। अगर आप लद्दाख एरिया की बात करेंगे तो टूरिज्म यहाँ पे एक मेजर एक्टिविटी है भाई, बाहर से इंडिया से लोग आते हैं, इनफैक्ट विदेश से लोग आते हैं यहाँ के कल्चर को देखने के, यहाँ के क्लाइमेट को देखने के लिए, ग्लेशियर्स को देखने के लिए ट्रैक्स जाते हैं ग्लेशियर में लोग। यहाँ पे लाइफ भी यहाँ के लोगों की बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है, जैसे जैसे रोड्स और रेलवे, सॉरी रेलवेज नहीं, रोड्स और एयरवेज डेवलप हो रही है, तो यहाँ के लोगों का कनेक्शन बाकी इंडिया के साथ तेज हो रहा है। लद्दाख के लोग नेचर के साथ रहते हैं तो उनको पता है कि नेचर को कैसे सेफ गार्ड करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाटर की कमी है, फ्यूल की कमी है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है। आपको एक पर्सन का नाम बताता हूं फ्रेंड्स, आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, थ्री इडियट्स में आमिर खान का जो कैरेक्टर है, उस आमिर खान के कैरेक्टर में एक ओरिजिनल जो पर्सन है उनका नाम है सोनम वांगचुक, नाम है इनका सोनम वांगचुक, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था, वो एक्चुअली इन सोनम वांगचुक पे है। तो सोनम वांगचुक ने कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले एक्चुअली में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई लद्दाख का जो लैंडस्केप है वो बदल रहा है, धीरे धीरे वो डिग्रेड हो रहा है, लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है, एक लिमिट से ज्यादा टूरिस्ट या फिर इंटरफेरेंस अगर उसकी इकोलॉजी में होगा तो वो डिस्ट्रॉय होगा। इस चीज के बारे में सोनम वांगचुक ने बात की। तो एज अगर हम एज अ टूरिस्ट वहां पे जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको सेफ गार्ड करें, क्योंकि वो हमारे ही देश का हिस्सा है। तो ये था ये चैप्टर फ्रेंड्स, मैंने क्लास 7th की ज्योग्राफी की किताब कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, अगर आप ये कर देंगे तो YouTube मेरी वीडियोस को YouTube के एल्गोरिदम में थोड़ा ज्यादा प्रमोट करेगा तो मुझे थोड़े ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे लिए बस इतना ही कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, बच के रहें, गुड बाय।